Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about challenges faced by tea sector in India. This topic is important from our syllabus paper 6 as economy point of view. तो लेटेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सी सम इंपॉर्टेंट डाटा रिलेटेड टू टी इंडस्ट्री इन इंडिया इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड इंडिया ऑल्सो अर्नस अ लॉट ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व बाई एक्सपोर्टिंग टी लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारा टी एक्सपोर्ट बहुत हद तक डिक्लाइन हुआ है और एक जमाने में हम लोग दुनिया के सबसे बड़े टी एक्सपोर्टर हुआ करते थे बट नाउ इंडिया हैज स्लिप्ड टू रैंक फोर इंडिया इज़ नाउ फोर्थ लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड दुनिया के जो तीन लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर्स हैं दे आर चाइना श्रीलंका एंड केनिया एंड इंडिया इज नाउ स्लिप्टू फोर्थ प्लेस अगर ओवरऑल परसेंटेज वाइज बात की जाए तो पूरी दुनिया का जो भी एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग सेवन पॉइंट फाइव परसेंट एक्सपोर्ट इंडिया करता है जबकि चाइना एक्सपोर्ट्स अबाउट ट्वेंटी पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड अब जरा देखते हैं कि क्या कारण है कि हमारे देश की जो टी इंडस्ट्री है वो स्ट्रगल कर रही है इशूज़ एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन टी सेक्टर स्टिफ कंपटीशन एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड मार्केट देखिए दुनिया भर के जो नए छोटे छोटे देश निकल के आ रहे हैं खासकर श्रीलंका केनिया इन्होंने काफ़ी हद तक कंपटीशन बढ़ा दिया है इंटरनेशनल मार्केट में जिस कारण से हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है उसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्शन के वो भी काफ़ी इम्प्रूव करा करे पिछले कुछ सालों में देखे गए हैं इन दीज कंट्रीज देर है डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक टी अक्रॉस द वर्ल्ड और इस कारण से इंडिया धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट लूज़ कर रहा है अगर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात की जाए या क्वालिटी की बात की जाए तो वो भी हमारे देश के अंदर जो टी की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट कारण है उसको ज़रा समझिए देखिए ये जो टी बुशेस होते हैं जो टी के पौधे होते हैं उनमें नई नई पत्तियाँ आते रहती हैं और उन पत्तियों को प्लग करके उनसे टी बनाया जाता है लेकिन इन टी बुशेस को इन जनरली पाँच सालों में रिप्लेस कर देना चाहिए इन टी बुशेस को हटा करके नए बुशेस लगाने चाहिए एवरी फाइव ईयर लेकिन हमारे देश में ऐसे कई सारे टी गार्डन है जहाँ पे पुराने टी बुशेस चल रहे हैं बीस बीस साल पुराने टी बुशेस चल रहे हैं उन्हीं की पत्तियाँ तोड़ी जा रही हैं तो इस कारण से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो टी बुशेस पुराने हो गए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी खराब हो गई है उनकी क्वालिटी ख़राब हो गई है उसके अलावा दे रहा भिन क्लाइमेट चेंज इशू टी सेक्टर के ऊपर टी इंडस्ट्री के ऊपर क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि आपको पता है कि इट इज़ वेरी मच दिस टी सेक्टर और टी क्रॉप्स आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल और क्लाइमेट चेंज के कारण देयर हैज़ बिन अन ईवेन रेनफॉल दैट हैज़ इम्पैक्टेड प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडियन टी इन और इंडियन टी प्रोडक्शन आप देख सकते हैं डाउन टू अर्थ का ये एक आर्टिकल है डाउन टू अर्थ आई होप आपको पता होगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो आर्टिकल कवर करते हैं डाउन टू अर्थ का ये आर्टिकल है जिसमें वो आसाम टी के बारे में लिखते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज रियल आसाम टी डिड नॉट सी सेकेंड फ्लस दिस ईयर ये दो हज़ार का ही इसी साल का ये डाटा है जिसमें बताते हैं कि रिसेंट पिक्चर शोइंग एम टी टी ड्रेन इन आसाम ड्यू टू डेफिसिट रेनफॉल हुआ क्या तक तो ये नॉर्मली होता क्या है कि आ, जो टी बूसेज होते हैं उससे दो या तीन बार पत्तियां निकल के आती हैं फर्स्ट फ्लस कहते हैं जब पहली बार पत्तियां निकल के आती हैं फिर सेकंड फ्लस कहते हैं जब दूसरी बार पत्तियां निकल के आती हैं जो सेकंड फ्लस होता है दैट इज़ जनरली रिसीव्ड ड्यूरिंग अर्ली समर पीरियड विच इज़ कंसिडरेबली डार्कर वो ज़्यादा टेस्ट वाइज या क्वालिटी वाइज अच्छा होता है लेकिन इस बार हमारे यहाँ पर सेकेंड फ्लस वाली टी सेकेंड uh, फ्लस वाली uh, जो uh, टी uh, लीव्स थे वो हुई ही नहीं मेनली बिकॉज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ रेनफॉल डेफिसिट रेनफॉल एंड दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज इशूज उसके अलावा देयर हैव बिन पुअर वर्किंग कंडीशन एंड लो वेजेस गिवन टू द टी गार्डन वर्कर्स ये तो आप सब जानते हैं दे आर फोर्स टू लिव इन अनसैनिटरी वर्किंग कंडीशन उसके अलावा द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल टी ग्रोवर्स देखिए नॉर्मली या ट्रेडिशनली जो तो टी गार्डन्स का जो बिज़नेस हुआ करता था वो लार्जर इस तरह के कम्पोजिट गार्डन्स में हुआ करता था बड़े बड़े एरियाज़ में बड़े टी गार्डन्स हुआ करते थे तो लार्जर टी गार्डन्स होने के कारण होता क्या था कि ये लोग के अपने इन हाउस क्वालिटी सर्वे क्वालिटी मैनेजमेंट ये तमाम चीज़ें जो होती थी उनकी इन हाउस हुआ करती थी और इस कारण से ये लोग अच्छे क्वालिटी को मेनटेन कर पाते थे कम्पोजिट गार्डन्स में टी की जो क्वालिटी होती थी वो अच्छी हुआ करती थी बड़े बड़े जो गार्डन्स होते हैं उनको कहा जाता है कंपोजिट गार्डन एंड देर टी क्वालिटी इज़ गुड लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या है आप आसाम के अंदर भी जाकर के देखेंगे जो टी गार्डन वाला एरिया है वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टी ग्रोवर्स आ गए हैं स्मॉल टी ग्रोवर्स अब वो कैसा है वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते वो प्रोसेस मेंटेन नहीं करते जिसका इससे बेहतर क्वालिटी आ पाए और इस कारण से और ये लोग क्या करते हैं अच्छे दानों के साथ साथ थोड़े से कोर्स ग्रेन जो ख़राब दाने हैं उनको भी मिला देते हैं प्रॉफिट के लिए और इस कारण से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आसाम टी का ओवरऑल जो मार्केट है या जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब हुई है मेनली बिकॉज ऑफ राइज ऑफ स्मॉल टी ग्रोवर्स उसके अलावा देर हैज़ बिन अ प्रॉब्लम ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 देखिए प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 स्पेशली लाया गया था ताकि टी प्लांटेशन में या इस तरह की बाकी तमाम जो प्लांटेशन फील्ड्स हैं वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स की ओवरऑल सोशल बेनिफिट्स को इंश्योर किया जा सके सोशल बेनिफिट्स मतलब अपार्ट फ्रॉम उनके वेजेस ध्यान से समझिए वेजेस के लिए तो मिनिमम वेजेज एक्ट होता है लेकिन उसके अलावा जो भी बाकी तमाम उनकी सोशल लाइफ से रिलेटेड जैसे हाउसिंग मेडिकल फैसिलिटी स्कूल क्रेच सर्विसेज फॉर चिल्ड्रेन इन सब को इंश्योर कराने के लिए लाया गया था प्लांटेशन लेबर एक्ट नाइनटीन में और टी प्लांटेशन कम्स अंडर दिस प्लांटेशन लेबर एक्ट तो ये कॉन्सेप्ट ला तो दिया गया फॉर सोशल बेनिफिट्स एंड दैट मस्ट बी गिवन टू द टी प्लांटेशन वर्कर्स लेकिन ये इंप्लीमेंट ठीक से नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम सम फ्यू कंपोजिट गार्डेंस बड़े बड़े गार्डन्स के अलावा ज़्यादातर जो छोटे गार्डन्स हैं वहाँ पर ये तमाम जो फैसिलिटीज जो टी गार्डन वर्कर्स को मिलनी चाहिए हाउसिंग मेडिकल फैसिलिटी स्कूल या क्रैत सर्विसेस ये नहीं मिलती हैं अगर आसाम के अंदर टी वर्कर्स की बात की जाए स्पेसिफिकली ये तो मैंने जनरल प्रॉब्लम्स भी बता दिए दीज अगर आपसे मान लीजिए कि जी पेपर फोर में पूछता है इंडियन इकोनॉमी में भी पूछता है कि चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन टी सेक्टर तो भी आप ये छः पॉइंट लिख सकते हैं अगर आपसे जी पेपर सिक्स में पूछ लेते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाई टी सेक्टर इन आसाम तो भी आप ये छः पॉइंट लिख सकते हैं लेकिन आसाम के अंदर ख़ासकर पेपर सिक्स में वो आपसे पूछ तो सकते हैं द चैलेंजेस फेस्ड बाई आसाम टी वर्कर्स हमारे यहाँ के टी वर्कर्स की कंडीशंस और भी ज़्यादा प्लाइटफुल है और भी ज़्यादा ख़राब है इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक कारण देखते हैं तो हमारे यहाँ पर देखिए वैल्यू एडिशन बहुत कम होता है हमारे यहाँ पे कैसा है हमारे आसाम के अंदर कि बस टी लीव्स को प्लग किया जाता है और उसके अलावा जो बाकी तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे उसको रोल करना उसकी पैकेजिंग करना मार्केटिंग करना ब्रांडिंग करना वो सब कुछ बाहर से होता है और हमारे यहाँ पे जो टी गार्डन में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको बहुत कम पैसा मिलता है ओवरऑल जो भी उस टी का प्राइस होता है उसके तुलना में आपको ये डाटा याद रखना चाहिए अगर क्योंकि टी वर्कर से रिलेटेड सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फंडेड एक स्टडी थी उसके हिसाब से जितना भी पैसा एक पर के टी से मिलता है जितना भी पैसा जितना भी कॉस्ट है पर के टी का उसका बस पॉइंट वन सिक्स परसेंट जो है वो टी प्लकर को जाता है मतलब अगर सौ रुपये का चाय बिकता है तो उसमें से बस सोलह पैसा टी गार्डन के वर्कर्स को मिलता है बाकी तमाम पैसा जो है वो वो ब्रांडिंग मार्केटिंग मैनेजिंग पैकेजिंग रिटेलर्स को चला जाता है उसके अलावा हमारे यहाँ के जो टी गार्डन वर्कर्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट कवर्ड अंडर मिनिमम वेजेज एक्ट दे आर ओवरऑल वेजेज आर अबाउट हंड्रेड सिक्सटी सेवन रुपीज़ विच इज़ फिफ्टी एट परसेंट ओनली फिफ्टी एट परसेंट ऑफ मिनिमम वेजेस इन इंडिया तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे यहाँ के टी गार्डन वर्कर्स फेस कर रहे हैं टी के टॉपिक के ऊपर ये फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है दिस क्वेश्चन वॉज आर लियर आस्ट इन यू पी एस सी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से हिंट्स दे रखे हैं यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस हिंट्स ऑल्सो द नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज़ अबाउट ओमिक्रॉन वेरियंट ऑफ कोरोना वायरस तो देखिए हाल फिलहाल में न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि डब्ल्यू ने सार्स को सी ओ वी टू यानी कि कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट को जो ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में देखा जा रहा है उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करने के पीछे कारण ये है कि ये जो वेरिएंट है जिसका नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट ये जो पिछला वेरिएंट था जो इसके कारण इंडिया में सेकेंड वेव आया डेल्टा वेरिएंट उससे भी कहीं ज़्यादा फास्ट तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है और दूसरा ऐसा कहा जा रहा है ऐसा डब्ल्यू एच ओ ने कहा है कि शायद से मौजूदा जो वैक्सीन्स हैं वो इस ओमिक्रॉन वायरस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है ये जो ओमिक्रॉन वायरस है ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोरोना वायरस का इसके अंदर स्पाइक्स प्रोटीन बहुत ज़्यादा है तो इट हैज़ ए लॉट मेरी नंबर्स ऑफ स्पाइक प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन मैं पहले भी आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा चुका हूँ स्पाइक प्रोटीन की मदद से ये जो वायरसेस हैं वो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स में इंटर कर पाते हैं हमारे सेल्स जैसे ब्रेन का सेल्स या बॉडी के सेल्स पे इस तरह के रिसेप्टर्स लगे रहते हैं जिस पे स्पाइक प्रोटीन जाकर के चिपक जाता है और फिर उसकी मदद से उस रिसेप्टर की मदद से जहाँ पर स्पाइक प्रोटीन चिपकता है फिर ये हमारे सेल के अंदर घुस जाते हैं ये कोरोना वायरस और फिर हमारे सेल के अंदर हमें वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है अंदर घुस करके क्योंकि वो अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करने लगता है सेल के अंदर घुस करके और ये अपनी संख्या बढ़ाने लगता है और फिर हमारे सेल को किल करने लगता है जिससे लोगों की डेथ हो जाती है अगर बात की जाए तो ये वायरस ओमिक्रोन वेरियंट अफ्रीका और अभी तक इसके सौ से भी ज्यादा केस अफ्रीका में मिल चुके हैं इंडिया में भी भारत सरकार ने अलग अलग स्टेट्स को कहा कि अफ्रीका से आने वाले तमाम लोगों को सर्विलेंस में रखा जाएस पेपर थ्री इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए कल कल का दिन सेलिब्रेटेड इन आर कंट्री एज नेशनल डे क्यों क्योंकि इसी दिन ऑन 26 नवंबर 1949 हमारा जो संविधान है उसको हमने अडॉप्ट किया था आप देख सकते हैं हमारे संविधान के प्रियम्बल में यहाँ लिखा हुआ है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन दिस ट्वेंटी सिक्स डे ऑफ नवंबर 1949 वी डू हियर बाय अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू आरसेल दिस कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडॉप्ट किया था लेकिन आप सब इस बात को जानते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया या इफेक्टिव बनाया फ्रॉम ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन और इस कारण से हम ट्वेंटी जनवरी को मनाते हैं एज रिपब्लिक डे तो आखिर मन में आपके ये सवाल उठना चाहिए कि जब 26 नवंबर को 26 नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगभग बनके तैयार हो गया था इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाते हैं तो इसी दिन इसको हमने पूरी तरह से इफेक्टिव क्यों नहीं किया हमने क्यों दो महीने का और इंतज़ार किया और क्यों हमने छब्बीस जनवरी उन्नीस को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डे तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 26 जनवरी को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूसन को इफ़ेक्टिव बनाने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि जो डेट है 26 जनवरी ये हिस्ट्री में बहुत ही सिग्निफिकेंट डेट रही है और इस कारण से इस डेट को हमने फिर रिपब्लिक डे की तरह मनाने का फ़ैसला लिया और इस दिन को हमने फिर अपना कॉन्स्टिट्यूसन इम्प्लीमेंट किया तो क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रही है इस डेट की 26 जनवरी को इसको ज़रा जल्दी से देख लेते हैं आपने भी अपने हिस्ट्री में बेसिक हिस्ट्री क्लासेस में ज़रूर पढ़ रखा होगा एक बार पूरे बैकग्राउंड से देखना शुरू करते हैं देखिए आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन जब लाया गया था जिसमें डायर की वाला कॉन्सेप्ट लाया गया था तो उसमें एक बात ये भी लिखी गई थी कि 10 साल के बाद इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के फंक्शनिंग को रिव्यू किया जाएगा और उसके बेसिस पे इसमें कुछ चेंजेज़ लिए जाएंगे एज़ पर द रिक्वायरमेंट और इसको रिव्यू करने के लिए फिर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सेवन मेंबर की कमीशन बनाई जिसका नाम था साइमन कमीशन क्योंकि इसके चेयरमैन थे साइमन तो सा, साइमन कमीशन के सात मेंबर्स थे और सब के सारे मेंबर्स जो थे सातों के सातों मेंबर्स थे ब्रिटिशर्स और ये जब कमीशन इंडिया में आई ऑन थर्टी अक्टूबर 1928 जैसे ही लाहौर में ये ये इन्होंने डिबोर्ड किया सिप से उतरे वहीं से इनको प्रोटेस्ट झेलना पड़ा इस तरह का प्रोटेस्ट साइमन गो बैक तो आई होप आप अभी तक कहानी समझ रहे हैं 1919 का जो कानून था उसको 10 साल बाद रिव्यू करना था रिव्यू करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया सातों के सातों मेंबर ब्रिटिशर्स थे जब ये पहुंचे इंडिया 1928 नवंबर में तो इनको हर जगह प्रोटेस्ट झेलना पड़ा साइमन गो बैक इस तरह का स्लोगन झेलना पड़ा फिर हुआ क्या कि किसी तरह के स्लोगन के दौरान लाला लाजपत राय स्लोगन को लीड कर रहे थे और पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई इन नवंबर 1928 तो साइमन कमीशन अक्टूबर में आया नवंबर में इस तरह के प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई अब लाला लाजपत राय जी की डेथ का, का बदला आपको पता है भगत सिंह ने कैसे लिया सॉन्डर्स को गोली मार करके दूसरे तरफ महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया लाला लाजपत राय की डेथ के बाद वो जरा देखिए लाला लाजपत राय की डेथ हुई नवंबर दो 1928 में फिर दिसंबर 1928 में कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन बुलाया गया जिसमें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम के यंग लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हुआ अब इंडिया को और इंडिया के जो लीडर्स हैं उनको फुल स्केल प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरी आज़ादी के लिए पूर्ण स्वराज के लिए अब हमें मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए तो लाला जी के मौत के बाद जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने कोलकाता सेशन में कहा कि अब हमें पूर्ण स्वराज के लिए फुल मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ महात्मा गांधी ने उनको थोड़ा सा कूल डाउन करते हुए समझाते हुए कहा कि देखो पहले पूर्ण स्वराज नहीं मांगते हैं पहले ब्रिटिशर्स से डोमिन स्टेटस मांगते हैं ब्रिटिशर्स को इसके लिए दो साल का वक्त देते हैं कि हमें डोमिन स्टेटस दो, दो साल के अंदर और नहीं तो हम लोग पूर्ण स्वराज के लिए मूवमेंट लॉन्च कर देंगे लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल नहीं मान रहे थे तो फिर महात्मा गांधी ने उनको समझाते हुए कहा कि चलो दो साल नहीं एक साल का समय देते हैं ब्रिटिशर्स को कि हमें एक साल के अंदर डोमिनेट स्टेटस दो नहीं तो हम लोग पूर्ण स्वराज के लिए मूवमेंट लॉन्च करेंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों गर्म खून वाले थे उस टाइम में यंग थे इन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज के लिए जाना चाहिए वी सू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स महात्मा गांधी ने कहा कि लेटेस्ट डिमांड डोमिनियन स्टेटस फर्स्ट डोमिनियन स्टेटस आई होप आप समझते हैं ओवरऑल कंप्लीट ऑटोनोमी इन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश रूल तो अब पूरी तरह से ऑटोनॉमी लेकिन पूरी आज़ादी नहीं सोवरेनिटी नहीं होती है डोमिनियन स्टेटस में पहले तो महात्मा गांधी ने दो साल का टाइम देने का बोला था लेकिन बाद में इनके दबाव में आकर के महात्मा गांधी ने कहा कि चलिए एक साल का वक्त दे देते हैं लेकिन जैसा कि एक साल का वक्त दिया गया ब्रिटिशर्स को डोमिन स्टेटस मांगा गया लेकिन वो डोमिन स्टेटस हमें मिला नहीं तो एक साल बाद जब हम लाहौर सेशन में मिले कांग्रेस के 1929 में तो लाहौर सेशन के इस कांग्रेस के हमने फिर फैसला लिया कि वी विल गो फॉर पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज का हम डिमांड करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड करेंगे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया 26 जनवरी 1930 को तो 1929 में लाहौर सेशन में हमने कहा कि नाउ वी विल गो फॉर पूर्ण स्वराज और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने आने वाली जनवरी महीने में अगले महीना जो था उसके 26 तारीख को हमने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया पूरे इंडिया भर में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया उस दिन अलग अलग जगहों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने बनाया देख सकते हैं महात्मा गांधी ने झंडा भी फहराया छब्बीस जनवरी उन्नीस को अब मुद्दा ये है कि 26 जनवरी 1930 को हमने झंडा फहरा लिया अपने तरफ से हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया लेकिन सिर्फ हमारे खुद के डिक्लेयर करने से तो होता नहीं ब्रिटिशर्स को इस बात को मानना भी ज़रूरी था ब्रिटिशर्स इस बात को मानते कि हाँ आप इंडिपेंडेंट हैं तभी उसका सेंस था तो ये बात आप समझ गए कि 26 जनवरी 1930 का ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस दिन को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1930 में ही अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया था कर दिया था बाद में इस दिन को हमने फिर रिपब्लिक डे बनाया अभी 1930, 26 जनवरी 1930 को हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं लेकिन ब्रिटिशर्स अभी भी पुराने तरीके से ही रूल कर रहे थे हमारे ऊपर तो फिर ब्रिटिशर्स को दबाने के लिए आप कह सकते हैं या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट लॉन्च किया महात्मा गांधी ने इन ऑर्डर टू मोबिलाइज़ इंडियाज़ नेशनल कॉन्सियसनेस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन ऑर्डर टू असर्ट इट्स इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया फ्रॉम हिज साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम से वो चले दांडी की तरफ दांडी कोस्ट ऑफ गुजरात के तरफ और उनका वो इसलिए चले ताकि वो ब्रिटिश के एक कानून को तोड़ें ध्यान से समझिए हमने अपने आप को आजाद डिक्लेयर कर दिया था 26 जनवरी 1930 को तो अब ब्रिटिश सरकार के किसी भी कानून को मानना अब गलत होता क्योंकि वी आर नाउ इंडिपेंडेंट और खासकर ऐसा कानून जो एट्रोसियस है और सबसे खराब सबसे एक्सप्लोइटेटिव कानून था टैक्स ऑन सॉल्ट क्योंकि सॉल्ट जो है वो गरीब से गरीब इंसान खाता है उस पर टैक्स लगाना अच्छी बात नहीं थी क्योंकि गरीब इंसान के ऊपर टैक्स लगाना वुड बी एक्सप्लोइटेड तो महात्मा गांधी ने फैसला लिया कि ब्रिटिशर्स के सॉल्ट लॉकों में ब्रेक करूंगा ब्रीच करूंगा और इसके लिए फिर वो 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से निकले उनके पीछे बस 78 फॉलोअर्स थे साबरमती आश्रम से जब वो निकले तब लेकिन धीरे धीरे अलग अलग गांव से जब वो गुजरते गए तो उनके पीछे हज़ारों हजारों संख्या के लोग संख्या में लोग इकट्ठा हुए और 12 मार्च को निकले थे पाँच अप्रैल को वो पहुँचे दांडी कोस्ट पे दांडी कोस्ट पे जाकर के उन्होंने सॉल्ट बनाया जबकि सॉल्ट बनाना बिना टैक्स दिए हुए गैर कानूनी था लेकिन महात्मा गांधी ने सॉल्ट बना करके ब्रिटिशर्स के इस कानून को तोड़ा जस्ट इन ऑर्डर टू असर्ट दैट नाउ इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड नाउ वी विल नॉट फॉलो योर लॉ योर ऑर्डर अब वो बात अलग है कि उसके बाद क्या हुआ तो आप जानते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद महात्मा गांधी को भी जेल भेज दिया गया और धीरे धीरे बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में एक बार के लिए विद्रॉ किया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए बाद में फिर लॉन्च किया गया 1934 में इसको फिर से विड्रॉ कर लिया गया महात्मा गांधी का स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल वाला जो अप्रोच था उसमें नाइनटीन में इसको विड्रॉ कर लिया गया महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी वगैरह पे काम करना शुरू किया तो ये सब तो आपको पता है लेकिन आई होप अब आपको यह बात समझ आ गई होगी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट ट्वेंटी जनवरी इस तारीख को हमने अपने आप को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था 1930 में वो बात अलग है कि हमें आज़ादी बहुत देर बहुत टाइम बाद जाकर के 15 अगस्त 1947 को मिली लेकिन जब हमें आज़ादी मिली पंद्रह अगस्त को तो उसके बाद हमने फैसला लिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी और उसको रिपब्लिक डे की तरह मनाएंगे सो so दैट ये जो हिस्टोरिकल दिन है छब्बीस जनवरी ये हिस्टोरिकल सच में बन जाए इतिहास में ये हमेशा के लिए याद रखा जाए तो इसीलिए हमने छब्बीस नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लिया अडॉप्ट तो कर लिया उसको हमने डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन डे लेकिन हमने उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया छब्बीस जनवरी को इन नाइनटीन फिफ्टी एंड दैट इज व ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी इज़ नोन एज रिपब्लिक डे कुछ इंपॉटेंट डेट्स हैं विध रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली यहाँ पे मैंने दे रखे हैं इसे 9 दिसंबर फर्स्ट सेशन नाइनटीन दिसंबर 1946 फर्स्ट सेशन 13th December, objective resolution moved. 22nd January 1947, objective resolution adopted. 22nd July 1947, adopted national flag. And 24th January uh, 1950, we adopted national anthem. And then 26th January 1950, we completely adopted and enacted the constitution. That is why that is uh, celebrated as Republic. इस टॉपिक के पे पेम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है प्लीज अटेंट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट इन द कमेंट सेक्शन कियाउट मल्टी डायमेश इम्पॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स दुनिया की दो ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्सफोर्ड पोवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये मिल कर के निकालती हैं जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेन इंडिकेटर्स ओवरऑल अंडर थ्री कैटेगरीज हेल्थ एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे दुनिया के अलग अलग देशों के कि वहाँ के लोगों का हेल्थ कैसा है एजुकेशन कैसा है लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है और इसमें भी फिर तीन कैटेगरी है अलग अलग इंडिकेटर्स है जैसे हेल्थ में इंडिकेटर है न्यूट्रिशन चाइल्ड मोर्टेलिटी एजुकेशन में है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल्स अटेंडेंस लिविंग स्टैंडर्ड में है कुकिंग फ्यूल कितना लोग इस्तेमाल करते हैं सैनिटेशन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कितने फ्लोर का घर है कितने एसेट है इसके बेसिस पे ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के अलग अलग देशों को देखती है कि वहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कितनी है अलग अलग मतलब इसको कहा जाएगा देखिए एक होती है खाली इकोनॉमिक सेंस में पॉवर्टी दूसरी होगी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अलग अलग देशों को इन तीन क्राइटेरियाज़ पे अंडर दस्टैंड इंडिकेटर रैंकिंग देते हैं कि आपके यहाँ पे कितनी मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी है अभी इस साल से नीति आयोग ने इसी क्राइटेरिया को लेते हुए जो ये क्राइटेरिया है इन्हीं क्राइटेरिया और इन्ही इंडिकेटर को लेते हुए इस साल से नीति आयोग ने फैसला लिया है कि वो अपने देश के स्टेट्स को रैंकिंग देगा ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स और उसमें फिर नीति आयोग ने पहला मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स पब्लिश किया है इस पहले मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देखते हैं बिहार हैज़ बिन डिक्लेयर्ड विथ हाइएस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विथ अ मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी रेशियो फिफ्टी वन पॉइंट नाइन वन परसेंट फॉलोड बाई झारखंड तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश तो ये सब है हाईएस्ट मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स वाले स्टेट नॉर्थ ईस्ट से पांचवें नंबर पे है मेघालय विथ 32.67 परसेंट मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स बिहार अपार्ट फ्रॉम हाईएस्ट मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इज आल्सो हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ माल नॉर्थ पीपल फॉलोड बाई झारखंड कल जब मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर ग्रेजुएशन ऑफ ए कंट्री फ्रॉम एल At United Nations, the correct answer is Option C, Environment Vulnerability Index. That's all from our side for today. Thanks for watching.